आप सभी मित्रों को मेरा राम राम। मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामायण जी की बड़ी ही सुंदर सी आरती हारमोनियम पर नोटेशन के साथ बजाना सीखेंगे। दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में और भी आरती एवं भजन सिखाए हुए हैं, जिनके लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भजन और आरती सीखना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, मैं आपको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों, और देर न लगाते हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमें इस आरती को तीसरा खाला यानी एफ शार्प मेजर से बजाना सीख रहे हैं, जिसमें हमारे कौन कौन सी की जो होंगी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सा, रे, गा, मा, पा, धा, ये सारे स्वर शुद्ध यूज होंगे, बाकी इसके साथ में तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम रामायण जी की आरती की सीखते हैं स्थाई, और स्थाई में सबसे पहली लाइन आती है आरती श्री रामायण जी की। तो इस लाइन को पहले हम बजाते हैं, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है आरती, तो आरती के लिए गा, रे, गा, मा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है श्री, श्री के लिए गा, रे। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है रामायण, रामायण के लिए सा, गा, रे और फिर से दो बार गा, ठीक है। उसके बाद शब्द आएगा जी, तो जी के लिए गा, मा, दा, पा, जी। उसके बाद लास्ट में शब्द आएगा की, की के लिए मा, गा। अब इस कंप्लीट लाइन को मैं एक बार और बजाकर गा देता हूँ। देखिए, इसके बाद आती है दोस्तों हमारे आरती की सेकंड लाइन, जिसके बोल हैं कीरत खलित ललित सिय फीकी। तो इस लाइन को भी पहले हम बजाएंगे, फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए, बहुत ही जी है। सबसे पहला शब्द है कीरत, कीरत के लिए गा, रे, गा, मा, ठीक है। उसके बाद शब्द है खलित, तो खलित के लिए गा, रे, सा। उसके बाद शब्द आएगा ललित, ललित के लिए सा, गा, रे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा सीय, सीय के लिए दो बार गागा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा फी, दो शब्द एक साथ फी की, तो पहले हम बजाएंगे फी, फी के लिए गा, मा, धा, फा। देखिए एक बार, एक फिर से फी के लिए गा, मा, धा, पा, और लास्ट में शब्द आएगा खी, तो खी के लिए मा, गा। अब जब एक एक साथ बजाएंगे फी की, तो देखिए कुछ ऐसा बज के आएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्थाई की दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को आप आरती में दो बार बजा देंगे रिपीट करके, तो आपकी आरती का स्थाई कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा स्थाई कंप्लीट हो गया है, अब हम सीखते हैं इस आरती का अंतरा। अंतरा सीखें, उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके लाइक से मुझे थोड़ा हौसला मिलता है।
दोस्तों अंतरे की सबसे पहली लाइन है गावत ब्रह्मा धिक मुनि नारद। तो इस लाइन को पहले हम बजाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए बहुत ही जी है, सबसे पहला शब्द है गावत। गावत के लिए सा गा मा, उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा ब्रह्मा दिक, ब्रह्मा दिक के लिए दो बार फापा और दो बार थी ब्रह्मा। इसको इसी शब्द को आप दो भागों में बांटकर भी सीख सकते हैं। सबसे पहला शब्द इसी को आधा कर लीजिए ब्रह्मा, ब्रह्मा के लिए दो बार पापा और धिक के लिए दो बार मामा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा मुनि, मुनि के लिए पा और धा, और लास्ट में शब्द आएगा नारद, नारद के लिए एक बार मा और दो बार गा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे आरती की अंतरे की आती है सेकंड लाइन, जिसके बोल हैं बाल्मीक विज्ञान विशारद। तो इस लाइन को भी पहले हम बजाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए सबसे पहला शब्द है बाल्मीक, बाल्मीक के लिए सा गा मा और दो बार पा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा विज्ञान, विज्ञान के लिए पा ही ब्रह्मा और पा, ठीक है। उसके बाद लास्ट शब्द आएगा विशारद, विशारद के लिए धा शुद्ध मा और दो बार गा। इसके बाद आती है दोस्तों हमारे अंतरे की नेक्स्ट लाइन यानी तीसरी लाइन, जिसके बोल हैं सुख सनकाद शेष और शारद। तो इस लाइन को भी पहले हम बजाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए बहुत ही जी है, छोटे छोटे शब्द हैं आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहला शब्द है सुख, सुख के लिए, सुख के लिए दो बार सासा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा सनकादिक, सनकादिक के लिए, सनकादिक के लिए एक बार गा एक बार मा और दो बार पा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा शेष, शेष के लिए दो बार थी ब्रह्मा। नेक्स्ट शब्द आएगा अरु, अरु के लिए पा और धा, और लास्ट में शब्द आएगा शारद, शारद के लिए एक बार मा और दो बार गा। इसके बाद आती है दोस्तों हमारे अंतरे की नेक्स्ट और आखिरी लाइन, जिसके बोल हैं बरन पवन सुत कीरत नीकी। तो इस लाइन को भी पहले हम बाकी लाइन की तरफ जाते हैं फिर हम इसे सीखेंगे। देखिए बहुत ही जी है, सबसे पहला शब्द है भरणी, भरण के लिए गा रे गा। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा पवन सुत, पवन सुत के लिए एक बार मा गा रे और दो बार सा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द आएगा कीरत, कीरत के लिए गा रे और दो बार गा, यानी एक बार गा एक बार रे और फिर से दो बार गा, ठीक है। उसके बाद शब्द आएगा नीकी, तो नीकी को हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला शब्द लेंगे नी, तो नी के लिए, नी के लिए गा मा धा पा, ठीक है, गा मा धा पा, और लास्ट में शब्द आएगा की, ई के लिए मा गा। अब बजाएंगे नीकी को एक साथ, यानी नीकी के लिए
गा मा धा पा मा गा। जैसे ही दोस्तों आपके इस अंतरी की आखिरी लाइन कंप्लीट होगी, ये लाइन कंप्लीट होते ही जो हमारा स्थाई है आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की, वही से फिर से रिपीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो जो आरती के और अंतरे हैं, तीन अंतरे और हैं, तो इन्हीं इसी जो जो हमने जो अंतरा सीखा है इसी अंतरे के आधार पर बिल्कुल यही के यही नोट जो बाकी तीन अंतरे हैं उनमें भी यूज हो जाएंगे। तो जैसे हमने इस अंतरे को बजाया है वैसे ही आप उन तीनों अंतरों को भी बजा देंगे तो आपकी रामायण जी की आरती कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आपकी आरती कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा वीडियो में लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों आपको कोई आरती या भजन सीखना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, मैं आपको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।